छत्तीसगढ़ के सारनगढ़ अंचल में इन दिनों कुछ अनैतिक दलों के द्वारा पत्रकारों को फर्जी शिकायत कर झूठे आरोपों में फंसाने की साजिश की जा रही है, जिसके चलते पत्रकार एकजुट हो रहे हैं। पत्रकारों ने पत्रकार अमितेश केशरवानी के नेतृत्व में भारत माता चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पत्रकार जब किसी भ्रष्टाचार या जन समस्याओं को लेकर कोई खबर बनाता है तो माफिया वर्ग अपनी काली करतूत को छपाने के लिए उल्टे पत्रकारों को गलत आरोपों में फंसाने का षड्यंत्र रचता है। यहां तक पत्रकारों को सरेआम मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर डराया धमकाया जाता है, जिसको देखते हुए सारनगढ़ अंचल के पत्रकार इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग उठाई गई, साथ ही अन्य और कई मांगों को लेकर पुलिस थाना एवं सारनगढ़ अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों को झूठा फंसाने वालों पर सख्त कार्यवाही और निष्पक्ष जांच की पुरजोर मांग उठाई गई है। रायगढ़ से संवाददाता श्याम कुमार पटेल की रिपोर्ट। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकारिता के ऊपर शासन प्रशासन माफिया वर्ग द्वारा एक आक्रमण के खिलाफ लगातार सारनगढ़ में हम पिछले माह भर से हम देख रहे हैं पत्रकारों के खिलाफ फर्जी शिकायतों की बाढ़ सी आ रही है। इन शिकायतों पर सूक्ष्म जांच करने की अपेक्षा माफिया वर्ग के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पत्रकारों को दोषी ठहराने पर टूटी हुई है। आप जांच कीजिए, जांच में हमारे पत्रकारों का भी पक्ष लीजिए, उनकी भी बातों को रखिए, लेकिन एक षड्यंत्र के साथ पत्रकारों को बदनाम करने और पत्रकारों के खिलाफ एक मोर्चा खोलने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश भी जरूर कीजिए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम पत्रकार संघ यहां पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किए हैं। पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि यहां पर प्रशासनिक जो है वो पत्रकारों पर हावी है, लगातार पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र में जब कोई अधिकारी अच्छा कार्य करता है तो पत्रकार उनके पक्ष में छापता है, लेकिन नीति विरुद्ध या लोक न्याय के खिलाफ जब कुछ बातें होती है तो पत्रकार का दायित्व बनता है कि शासन की उस कमी और अधिकारी की उस कमी को वो सामने में रखे। जब वो कमी को सामने में रखता है तो प्रशासन उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार चालू करता है और उनके खिलाफ किसी भी शिकायत को उस साथ में उस दिशा में उस मैटर में जोड़कर उनके खिलाफ प्रताड़ना का एक कार्रवाई करता है। हम उस प्रताड़ना का विरोध करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, और जो सारंगढ़ में परिपाटी चली आ रही है कि पत्रकारों के खिलाफ एक पेज की आवेदन दीजिए, तत्काल कार्रवाई होगी, हम उसका विरोध कर रहे हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का पालन तो कर दीजिए, हम ये चाहते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.